अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आकिब खुर्शीद। आज हम टेबल टेनिस के जिस प्लेयर से मुलाकात करने जा रहे हैं वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान का झंडा लहरा चुकी है और इसके साथ साथ दो दफ़ा साउथ एशियन चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल कर चुकी है। ऐसी खातून जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में अपनी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल की, पाकिस्तान की कच्ची पेड़ होने के साथ साथ अमेरिकन टेबल टेनिस क्लब के मेंबर भी हैं और साथ अभी पाकिस्तान आर्मी टेबल टेनिस के मेंबर भी हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं फरवा बाबर से। जी फरवा, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। अलहमदुल्ला, जैसे कि सभी लोग जानते हैं आपने कम वक्त में बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल किए, तो आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए? मैंने जब टेबल टेनिस खेलने की स्टार्ट की थी तो मैं एक ही साल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी। उस वक्त टू टाइम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हूँ, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में भी खेलने गई हुई हूँ और पाकिस्तान को 7-8 दफ़ा रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ और एम फिल होल्डर हूँ। 2 मास्टर्स किए हुए हैं मैंने बाहर इंटरनेशनल फेडरेशन से यूनिवर्सिटी की, उसका भी इंटर्नशिप मैं उसके साथ करके आ चुकी हूँ। अमेरिकन जो क्लब है उसकी भी मेंबर हूँ, तो नेशनल लेवल पे काफ़ी क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था तो मैं स्कूल में 6th क्लास में थी और वो भी हमने इंटेंसली जाके नहीं खेलना स्टार्ट किया था। मेरी और मेरी दोस्त ऐसे जस्ट फन के तौर पे खेलने गए थे और हमने सबसे पहले टेनिस खेलना स्टार्ट किया था। तो मुझे याद है अभी भी कि मैं 2009 में जब अपना टेनिस का इवेंट खेल के आई थी तो सईद फानुल्लाह खान जो है टेबल टेनिस के कोच नेशनल टीम के, वो वहाँ पे आए हुए थे हमारे स्कूल में कैंप करवाने के लिए। तो मैं जब अपने टीचर को सलाम करने गई थी कि मैं वापस आ गई हूँ और इस तरह, तो वहाँ पे सईद फानुल्लाह खान जो है उन्होंने मुझे जस्ट पूछा कि आपको खेलना आता है? मैंने कहा जी मुझे खेलना थोड़ा बहुत आता है। तो उन्होंने कहा खेल के मुझे दिखाओ। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है मैं आपको खेल के दिखा देती हूँ, और मेरा देखो कॉन्फिडेंस देखे मुझे खेलना नहीं आता, तो मैंने खेल के दिखाया। तो उन्होंने कहा कि आप ना डेली खेलना स्टार्ट कर दो। तो वहाँ से टेनिस के बाद कैसे मेरी टेबल टेनिस की जर्नी स्टार्ट हुई, तो वहाँ पे हमारा कैंप लगा था 3 मंथ्स का। तो मुझे ना टेबल टेनिस खेलने का बिल्कुल शौक नहीं था, मुझे टेनिस का खेलने का स्टार्टिंग से शौक था। तो मैं बहुत अपने जो ट्रेनिंग डेज है वो मिस करती थी। सईद फानुल्लाह खान काफ़ी डांटते थे कि तुम मिस करती हो ये वो। तो मेरा इंटरेस्ट तब बिल्डअप हुआ था जब मैंने ना पाकिस्तान को खेलने गई थी और वहाँ पे मैंने चाइनीज टीम को खेलते हुए देखा। तो वहाँ से मैंने कहा कि ये बोर गेम नहीं है, बड़ी मज़े की और फन वाली गेम है और इंटरेस्टिंग गेम है। तो वहाँ से मेरा जस्ट डेवलप हुआ था ये इंटरेस्ट और वहाँ से फिर मैंने आगे इसको ही कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। फिर बीच में मेरी क्रिकेट की भी जर्नी आ गई थी, क्रिकेट में भी मैं नेशनल लेवल पे चली गई थी, लेकिन टेबल टेनिस का फिर वो जो शौक ऐसा आया हुआ था कि फिर मैंने कहा कि मैंने कोई टेबल टेनिस को ही आगे कंटिन्यू करना है। पर खुशकिस्मती है आपकी, आपने छोटी सी ही उम्र में ही पाकिस्तान के इतने बड़े प्लेयर के हाथ में सर अल्लाह खान साहब के और हां जी ना उनकी अंतक मेहनतों से आप बहुत हाँ जी बिल्कुल। तो फरवा ये बताना चाहेंगे कि आपको जब गेम स्टार्ट की तो जब भी कोई प्लेयर गेम स्टार्ट करता है तो उसको बेशुमार मुश्किलात का सामना होता है, तो आपको कैसी मुश्किलात पेश आई और आपने फिर उन्हें कैसे हैंडल किया? एक्चुअली आखिर बात यह है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो टेबल टेनिस स्पेशली खेलना तो 2009 में स्टार्ट किया था, जब मैं लाइक 14-15 ईयर ओल्ड की थी। तो 15 ईयर ओल्ड ना, तो वो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं ना इतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे आगे कंटिन्यू प्रोफेशनल लेवल पे खेलने का ना। तो मेरे जो फादर है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो जैसे कि हमें खेलने का इश्यू होता है कि आपने प्रैक्टिस करने जाना है, कौन आपको लेके जाएगा, आपके जो खर्चे आते हैं वो कौन कैसे करेगा, आप
अपने जो उसके इक्विपमेंट वगैरह लेने हैं वो कैसे करने हैं, ऊपर से आप लड़की हैं, आपने उसको कैसे मुश्किल से आगे, लड़कियों के लिए तो आपको पता है काफी मुश्किल होता है आगे अपनी लाइफ में जाना। तो मेरे फादर जो है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, तो जो मुश्किलें आई हैं तो उनकी वजह से मुझे इतनी फील नहीं हुई जितना उनको उनका सपोर्ट मुझे मिला, क्योंकि वो ही मुझे आगे आगे खेलने लेके जाते थे, कोई इवेंट हुआ वहाँ पे मेरे साथ चले गए, तो प्रैक्टिस करवाने वो लेके जाते थे। तो जैसे कि शाम में इवनिंग में मैंने खेलने जाना होता था तो मैं उनका वेट कर रही होती थी अपना पूरा रेडी होके कि वो जैसे ही आएंगे तो मैंने उनके साथ जाना है फौरन ही खेलने, तो फिर वहाँ पे वो बैठे रहते थे। तो जो मुश्किलें आई हैं वो ये हैं कि मेरे फादर की वजह से मुझे इतनी फील नहीं हुई, लेकिन लड़कियों के लिए तो काफी मुश्किलें ही होती हैं। तो मतलब आपको पेरेंट्स की सबसे ज्यादा सपोर्ट थी? हाँ जी, मेरे घर से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट है। आपके फादर आपको लम्हा बा लम्हा सपोर्ट करते रहे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ऐसी तरह याद है जब मेरा पहला टूर लगना था तो मुझे कराची में मेरा वो क्या कहते हैं ट्रायल्स थे, तो मेरे फादर जो है अपना वो सारा काम छोड़ के जो भी उनकी रूटीन थी वो स्पेशल मेरे साथ 2-4 दिन के लिए मुझे वहाँ ट्रायल दिलवाने लेके गए थे। तो वो उनका बहुत साथ है मेरा हर एक चीज में, हर गेम में। ऐसे देखा जाए तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी अच्छे प्लेयर के पीछे। हाँ जी बिल्कुल। तो परवा, आपकी गेम में स्कूल से निकले आप, तो आपकी गेम में प्रोफेशनलिज्म कब आया? फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि मैंने 2009 में स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था जनवरी में, तो बीच में थोड़ा बहुत मैं होती थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करने जाना है और मुझे शौक नहीं है इंटरेस्ट, लेकिन जब मैंने पहला टूर किया था तो 2009 में जुलाई में मुझे याद है पहला टूर मैंने किया था, तो वहाँ से बस फिर मेरा 12th हुआ था और मेरा प्रोफेशनलिज्म 2009 से स्टार्ट हो गया था। जो फरवा आपकी जिंदगी में प्रोफेशनलिज्म आया तो आपने अपने क्या गोल्स रखे थे कि मैं ये गोल्स रखूंगी और इन गोल्स को अचीव भी करूंगी? एक्चुअली आखिर मैंने जब भी कुछ खेला, जब भी कोई काम किया तो मैंने उसमें पूरा फोकस लगा के किया है, तो मुझे टेबल टेनिस में आगे अपना पाकिस्तान का नाम बनाने का बहुत शौक है, तो मैंने कहा था कि मैंने वर्ल्ड चैंपियन बनना है, लेकिन अगर हमें स्पोर्ट पूरा मिलता तो हम बहुत अच्छे लेवल पे खेल सकते थे, जैसे हमारे पास टैलेंट है यहाँ पे, तो वर्ल्ड चैंपियन बनने का बहुत शौक था, तो वो तो अभी भी है कि कंटिन्यू करना है कि शायद आप अच्छे लेवल पे खेल सको जाके। तो जब आपकी लाइफ में प्रोफेशनलिज्म आया तब भी आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना पेश आया होगा, लाइक कोचिंग ट्रेनिंग या घर से जहां आपने ज्वाइन किया वो ज्यादा डिस्टेंस था, तो आपको क्या क्या परेशानियां सामने आई, क्यों क्यों मुश्किलात का सामना हुआ और आपने उन्हें कैसे हल किया? सबसे बड़ा मसला यही होता है कि एक आपने एजुकेशन को और आपने पढ़ाई को और क्या कहते हैं स्पोर्ट्स को कंटिन्यू कितनी मुश्किल से करना है, तो उसका बहुत इशू होता था। और यह कि डिस्टेंस मेरा घर का वाकई जहाँ मैं खेलने जाती थी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा था, तो अक्सर ये होता था कि आपके ट्रेनिंग सेशन मिस हो जाते थे क्योंकि आपको डेली जाना और आपको जाना है अपनी कन्वेंस के ऊपर, और इतना आप पे भी नहीं करते हो ना आप इतना कमा रहे हो अपने स्पोर्ट्स के लिए, तो आप घर से मांगना नहीं चाहते, तो ये बड़ी डिफिकल्टी आती थी कि आप खुद को अपने आप को खुद ब खुद सपोर्ट कर सको, तो इसका बड़ा इशू था। दूसरा ये कि आप जब अच्छे लेवल पे जा रहे होते हो तो आपको वहाँ पे क्रिटिसिज्म भी बहुत मिलता है, तो वो आपने एक साइड पे रखना है और सिर्फ अपना फोकस जो है वो अपने गोल्स के ऊपर करना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर आपको लाइफ में कुछ ऐसे मोड भी आते हैं, लाइक मुझे इंजरी हो गई थी तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल मुझे हुआ था क्योंकि खेलने में आगे के लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब तुमने खेलना नहीं है और ये है वो है, तो फिर उसका भी बहुत इशू हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ओवरकम कर लिया, क्योंकि ये सारा जो है आपके माइंड में होता है, तो जब आपने अपना गोल सेट किया हो तो वो कोई डजंट मैटर कि वो आपको कौन कुछ कहता है कौन कुछ कहता है कि जैसे भी हो, आपको अपना पता होना चाहिए और आपको अपने गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो गोल आपने सेट किया है फिर आपने गोल कहाँ तक अचीव किया? अभी ये है कि टेबल टेनिस में आगे तो बहुत है कि खेलना है जाके अच्छे लेवल पे, तो उसके लिए तो अभी स्टिल मेहनत कर रहे हैं, तो पढ़ाई में तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कि एमफिल तक पहुंच गया, 2 मास्टर इंग्लिश और स्पोर्ट्स साइंस में गया हुआ है, अभी एमफिल का कर लिया है, तो पढ़ाई में तो मैंने कर लिया, आगे इंशाल्लाह पीएससी का प्लान है बाहर से तो वो करना है, बाकी स्पोर्ट्स में है कि स्पोर्ट्स में इंशाल्लाह एक एटलीस्ट गोल्ड मेडल
एशियन लेवल पे तो बंदा जीत के आए, तो वो मेरा गोल है इंशाल्लाह। तो आप अपने गोल्स को मजीद अचीव करना चाहती हैं? हाँ जी बिल्कुल। आपकी ड्यूरिंग पीएचडी ट्रेनिंग भी साथ रखेंगे तो आपको मुश्किलात का सामना भी पेश आप यकीन कर आप बिल्कुल आप यकीन करें कि मुझे बाहर जो है अभी भी स्टिल क्लब में मुझे ऑप्शन मिल रही है, लेकिन मैं सिर्फ यही है कि मैं उधर नहीं खेलना चाहती, मैं यहाँ पे खेल के और यहाँ पे पढ़ के यहाँ पे काम करके अपने मुल्क को सपोर्ट करना चाहती हूँ। लाइक यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे जो जिनको हेल्थ का नहीं पता है, तो उनके अंदर अवेयरनेस वगैरह लेके आना, क्योंकि वो बहुत इश्यू होता है हेल्थ। आपको पता है कि हेल्थ जो सेहत है हमारे लिए कितनी जरूरी है, और फिजिकल एक्टिविटी और जो एक्सरसाइजेज हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो मतलब आप अपने अभी गोल्स को अचीव करना चाहती हैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट होने के लिए? जी बिल्कुल। तो फरवा आपकी जिंदगी का बहुत ज्यादा वक्त टेबल टेनिस में गुजरा है, तो आप पाकिस्तान का कौन सा प्लेयर आपका बेहतरीन प्लेयर है? आकिब मैं एक्चुअली इतने मैचेस नहीं देखती और ना मैंने कभी इतने गौर से मतलब किसी का मुझे यहाँ पे स्टाइल पसंद आया होगा या क्या कहते हैं गेम अच्छी लगी होगी, लेकिन हाँ यहाँ पे काफी अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन सिर्फ फानुल्लाह खान जो है मेरे, उनका मुझे स्टाइल बहुत पसंद है। वो हालांकि मैंने उनको कभी खेलते हुए नहीं देखा इन नेशनल लेवल पे जब वो खेलते थे अपनी जवानी में, लेकिन क्या कहते हैं उन्होंने जब भी हमें खेल कर दिखाया कि ये शॉट ऐसे मारना है ये शॉट ऐसे मारना है, तो मुझे उनका हमेशा से जो उनका खड़े होने का उनका सिखाने का स्टाइल उनके हाथ का स्टाइल वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उनका मुझे शुरू से मैंने उन्हीं को फॉलो किया है। तो लोग अक्सर मुझे कहते भी हैं कि जब तुम खेल रही हो तो ऐसा लगता है इरफान ला खेल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है फरवा। तो फरवा इसके अलावा जैसे कि नाजिश शकूर ने दो दफा इंडिया को हरा कर गोल्ड मेडल हासिल किया, तो आपकी भी यही ख्वाहिश है कि आपका फाइनल इंडिया जैसे से हो और आप उसे हरा कर पाकिस्तान का झंडा लहराएं और गोल्ड मेडल हासिल करें? बिल्कुल ऐसे आके बिल्कुल अल्लाह ताला बस कामयाब करे हमारे, बहुत है कि पाकिस्तान के लिए हम नाम रोशन करें इसमें। तो बाबा अभी आप लोग साउथ एशियन गेम्स खेल के आए हैं जी, तो कोई मेडल हासिल नहीं किया, तो इसकी क्या वजह थी? आगे जैसे मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मतलब ये कि हमें फैसिलिटीज नहीं पूरी मिल पाती। हमने देखा है सिर्फ क्रिकेट का यहाँ पे इतना ज्यादा लोगों को है, यहाँ पे टेबल टेनिस में इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, तो बेसिकली यही मसला है कि हमारे पास जो ट्रेनिंग इशू है और क्या कहते हैं हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर चीजें नहीं है इसी वजह से। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने लास्ट खेला था तो वहां पे मालदीव की टीम आई थी और मालदीव की टीम इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन अभी हम देख के आए हैं तो वो मालदीव की टीम इतनी अच्छी थी, छोटी छोटी बच्चियां थी उनकी और वो इंडिया को टफ टाइम दे रहे हैं, तो वो अगर इम्प्रूव कर सकते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज अगर उनके पास हों फैसिलिटीज तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास भी सब कुछ है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास हार्डवर्क लोग हैं। तो सिर्फ यही वजह आती है कि अगर जैसे क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है इसी तरह टेबल टेनिस को भी किया जाए तो हम जरूर अच्छे लेवल पे इंडिया क्या हम एशियन लेवल पे बहुत अच्छा खेल सकते हैं। सर इरफानुल्लाह खान, सर आरिफ खान, सुहेल खान, फज्जाद साहब आपको पता है कि वर्ल्ड में टॉप 36 पे हुआ करते थे, तो अब पाकिस्तान किस रैंकिंग पे जा चुका है? ऐसे ट्रेनिंग तो करनी चाहिए, जैसा कि आप देखेंगे अपने पास में देखें तो सर इरफानुल्लाह खान, सर फज्जाद साहब, सर आरिफ खान, नाजिश शकूर 16-16 घंटे ट्रेनिंग किया करते थे और वो पाकिस्तान को बहुत अच्छे मेडल्स भी दिया करते थे। हाँ जी बिल्कुल। देखें खाली ट्रेनिंग करना नहीं होता, आप मुझे लगा लें अगर मैं जाऊँ अपने खेलने क्लब में और मैं वहाँ पे चार चार घंटे खेल के आई जा रही हूँ, कोई मेरा ट्रेनिंग पैटर्न नहीं है, कोई मुझे ट्रेनिंग करवाने वाला नहीं है, जस्ट गई हूँ टाइम अपना वेस्ट किया खेल रही हूँ, ठार 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 टॉप स्पिन मारी जा रही हूँ, बैक एंड खेली जा रही हूँ, कोई मेरा पैटर्न नहीं है, ना मेरे पास अच्छी डाइट है, ना मेरे पास अच्छी रेस्ट है या स्लीप है, ठीक है, और खाली ट्रेनिंग से तो कुछ भी नहीं होता ना।
ट्रेनिंग तो खाली कुछ भी नहीं करती, आपको प्रॉपर आपको मेंटली सपोर्ट चाहिए होती है, आपको मेंटली रेस्ट चाहिए होता है, आपको फिजिकली चाहिए होता है, आपको हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होती है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है। देखिए खाली केबल प्रैक्टिस नहीं होती, आपको मैनी बॉल्स से भी बहुत फायदा पड़ता है। मैं 2012 में मुझे याद है जब मैं अकेडमी होती थी तो मैं वहाँ पे टेबल टेनिस की जो टेबल प्रैक्टिस है वो बहुत कम करती थी, सिर्फ फार्मूला वहाँ पे होते थे और वहां से मैं सिर्फ मैनी बॉल करती थी और मैं अच्छे लेवल पे खेल जाती थी। आप यकीन करें मैं टेबल टेनिस बिल्कुल इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाती क्योंकि मैंने अदर भी काफी क्या कहते हैं कमिटमेंट होती है, सॉरी अदर भी काफी कमिटमेंट होती है, पढ़ाई को देखना, जॉब को देखना, तो टेबल टेनिस के लिए मेरा टाइम अब इतना ज्यादा मैनेज नहीं हो पाता जितना मेरा कॉलेज लेवल पे होता था। तो उससे भी काफी होता है कि आपको ट्रेनिंग खाली नहीं होती, आपको अपना ट्रेनिंग प्लान बनाने पड़ते हैं, हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता है, तो सारी चीजें देखनी पड़ती है, फिर इम्प्रूवमेंट होती है, ऐसे नहीं होता है। तो जब आप सैफ गेम से वापस आए तो पीएसपी ने कोई आपके साथ मीटिंग्स वगैरह भी की होंगी कि मजीद हम इस दफा मेडल हासिल नहीं कर सके, मजीद हम टेबल टेनिस में ये इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं? आखिर इसका मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, तो मैं भी हुई हूँ तो मैं प्लेयर्स के साथ पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ पीएसबी की मीटिंग हुई हो, उन्होंने कहा हो कि हम प्लेयर्स को ये फैसिलिटीज मुहैया करेंगे, अच्छी ट्रेनिंग कैंप्स देंगे? मीटिंग तो मैंने कोई ऐसे अटेंड नहीं की अभी जो कोई हुई है, तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। सर इरफान उल्लाह खान साहब के पास हैं, वो बहुत अच्छे कोच हैं और पाकिस्तान में उनका बहुत बड़ा नाम है, तो आप उनके पास ऐसी ही ट्रेनिंग करते रहिए तो आप जरूर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो आपने वर्ल्ड के भी दो टूर्स किए फरवा, तो आपको वर्ल्ड में सबसे अच्छा प्लेयर कौन है, किसे समझते हैं आप? मुझे मालूम की गेम बहुत अच्छी लगती है। तो क्या वजह है उनकी गेम अच्छी लगी? स्टाइल की वजह से बहुत अच्छी लगती है। तो आपका भी ड्राइव का स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है जब मैं अमेरिका गई थी और मैं क्लब में वो खेल रही थी चाइनीज कोच के साथ, तो मुझे याद है वो ओलंपिक जो उनकी ओलंपियन लड़की है उसका पार्ट टाइम कोच था, तो वो मेरे साथ एक दिन वो वहां पर उसको ट्रेनिंग करवा रहा था, तो उसने कहा कि आओ मेरे साथ भी खेलो। उनको सबको था कि ये पाकिस्तान से लड़की आई है, अच्छा दिखाओ आपको वहां पे कैसा खेलते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो उसने कहा मुझे खेलो। मुझे अच्छी तरह याद, मैंने उसके अपने फोर हैंड से उसके बैक हैंड पे ड्राइव मारी थी, वो जो पैरेलल नहीं स्प्रेड जो होती है, ठीक है, तो वो मैंने उसको मारी थी, तो उसने ना यकीन करें 10 ड्राइवें मारी है, उसके बाद में ना वो मेरे पास आया, बॉल गिरी और वो मेरे पास आया और मुझे उसका हाथ कांप रहा था और वो मुझे कहते हैं कि आप कौन से चाइनीज कोच से खेलती हैं, आपका कोई चाइनीज कोच है, आप क्या किसके साथ खेलती है? तो मैंने उनको कहा नहीं मेरा कोई चाइनीज कोच नहीं है, मेरा पाकिस्तानी कोच ही है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत देख लेती हूँ मैच वगैरह, लेकिन मैंने ट्रेनिंग अपने पाकिस्तानी कोच से ही ली है, तो उनका स्टाइल ऐसा है तो उन्होंने मुझे ऐसे सिखाया है। पाकिस्तानी कोच सर इरफान उल्लाह खान? हाँ बिल्कुल सर इरफान उल्लाह खान। फिर वहाँ पे उनके पैरा ओलंपिक लड़का था, वो भी स्पेशली आया वहाँ पे, कहता कि आए आप मेरे साथ खेलें, आप मैंने सुना आपकी गेम बहुत अच्छी है, तो देखिए एक दफा खेलने पे वहाँ पे सारों ने उनमें फैल गया था कि कोई पाकिस्तान से लड़की आई है वो ऐसा खेलती है। आपने वहां जाकर भी लोगों को बताया कि पाकिस्तान से हैं और आप उन्होंने आपके स्टाइल को देखते हुए पूछा कि वाकई पाकिस्तान में भी प्लेयर्स मौजूद हैं? आगे विद इन एक दो दिन बाद उन्होंने मुझे कह दिया था हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप इधर ही रह जाएं, हम मत जाएं वापस। तो फिर भी आप वापस आ गए? हाँ जी, पाकिस्तान से प्यार बहुत है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, पाकिस्तान से कुछ करना है, आप इसीलिए वापस आ गए। तो परवा अभी देखा जाए तो पाकिस्तान में नए बच्चे तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उन बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी ट्रेनिंग के हवाले से?
मैं कहती हूँ कि उनको जरूर खेलना चाहिए, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स को वैसे भी बहुत प्रमोट करती हूँ, फिजिकल एक्टिविटी को बहुत प्रमोट करती हूँ। मैंने अभी कोरोना से पहले ये जब था बिल्कुल नॉर्मल, मैंने वहाँ पे अपने एक स्कूल में कैंप भी लगवाया था स्पेशली फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए। तो टेबल टेनिस को भी मैंने उसमें किया था कि टेबल टेनिस में जरूर वो पार्टिसिपेट करें बच्चे, ठीक है। क्योंकि खाली ये नहीं कि आप वो आपको बोर लगती है गेम, लेकिन आप एक दफा खेलना तो स्टार्ट करें, आपको खुद ब खुद इंजॉयमेंट आना शुरू हो जाएगी। और इससे खाली आपकी बॉडी को नहीं बल्कि आपको मेंटली भी आप बहुत फ्रेश हो जाते हैं, आपके ब्रेन जो है क्विक हो जाता है, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाती है, आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे हो जाते हैं, आपको पढ़ाई में बहुत अच्छी तरह आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपका जब माइंड बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया तो आप स्टडी में भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ज़रूर वो खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, आगे बढ़ें ज़रूर। और टेबल टेनिस क्योंकि बहुत फन और मज़े की गेम है, तो उनको मैं इनकरेज करती हूँ कि वो आगे करें, स्पेशली लड़कियों को भी करती हूँ कि लड़कियाँ भी आगे पार्ट लेके खेलें। सही तो करवा, जब आपका इंटरनेशनल टूर हुआ तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि 2009 में जब मैं खेली हूँ और 2010 में जब इंडिया में खेली थी, तो मुझे याद है कि उधर एक इंडियन लड़की होती थी, वो उनकी काफ़ी अच्छी प्लेयर थी, तो उसके साथ भी मैंने काफ़ी टफ टाइम दिया था उसको, कि वहाँ पे बांग्लादेश की एक कोच थी तो मुझे आके कहने लग गई थी कि आपने कब से खेलना स्टार्ट किया हुआ है, हालांकि मुझे सिर्फ 1 ईयर हुआ था खेलते हुए। तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और सीखने को बहुत कुछ मिला है वहाँ जाके। आप जब अच्छे अच्छे प्लेयर्स को खेलते हुए देखते हैं तो आप लर्न करते हैं, आप वही चीज़ यहाँ पे अपने पास आके अप्लाई करते हैं कि किस तरह आप उसको इनहेंस कर सकते हैं अपनी गेम्स को, गेम को, अपने स्टाइल को, अपने शॉट्स को। तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो इसके अलावा प्रभा, आपने वहाँ पे क्या चीज़ें देखी जिन्हें देखकर आपको लगा कि ये ही अगर पाकिस्तान में अपने बच्चों पे वर्कआउट किया जाए तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ सकती है? आखिर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपने ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये है कि जब मैं वहाँ गई थी तो मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स इंटर्नशिप करने गई थी मैनेजमेंट के लिए। तो वहाँ पे मैंने देखा था कि वो जो टीम में है वो उनको स्पेशली फिजिकल ट्रेनिंग तो दी जा रही थी उनको स्पोर्ट्स में, आगे जब अगर फॉर एग्जांपल उनको उनका कंपटीशन है तो उनको साथ साथ साइकोलॉजिकली भी उनको ट्रेन किया जा रहा था कि आपने ऐसे खेलना, उनको रिलैक्स किया जा रहा था। तो इसका बहुत था, मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ये भी होना चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह का, अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज और अच्छी नॉलेज के किस तरह सिखाना है स्टूडेंट्स को, किस तरह ट्रेन करना है, तो वो यहाँ पे हो तो बहुत अच्छा हो सकता है। मज़ीद इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटियों में, इवन की यूनिवर्सिटियों में ये होता है कि आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आपको एक वीक का वन सेशन आपका साइकोलॉजी के लिए रखा जाता है, जिसमें आपको डिफरेंट साइकोलॉजी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। फॉर एग्जांपल इमेजरी, फॉर एग्जांपल आपको मसल रिलैक्सेशन का किया जाता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपके न्यूट्रिशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें सारी अगर यहाँ पे हो, फॉर एग्जांपल इंजरी जो है यहाँ पे हमें इतना नहीं पता कि इंजरी हो तो आपको फौरन कोई भी एक्टिविटी स्टॉप कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं कुछ नहीं हुआ, वो और मुसलसल खेलते हैं, वो और ख़राब हो ही जाती है, तो हमें ये इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर हम ये इम्प्रूव कर लें तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ अगर हम फोकस कर लें ऐसी चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं पाकिस्तान में। तो प्रभा, जैसे कि ये आपका प्रोग्राम लाइव सेशन भावनगर टेबल टेनिस क्लब के बच्चों के अलावा साउथ पंजाब, वेस्ट पंजाब में बहुत ज़्यादा तवज्जो से देखा जा रहा है, तो आप उन नए प्लेयर्स को जिन्होंने कल को पाकिस्तान की बागडोर संभाली है, उनके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ के टेबल टेनिस के लिए टेबल टेनिस को खेलें, क्योंकि ये आपको बहुत बेनिफिट देती है। सिर्फ ये ना देखें कि आप ये बोर गेम है या इंटरेस्टिंग नहीं है या इसमें पैसा नहीं है, उससे कुछ भी ना हो, जब आपका पैशन होता है तो आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता है। तो आप ज़रूर टेबल टेनिस खेलें, क्योंकि ये आपको बहुत बेनिफिट देती है स्पोर्ट्स के लिए, और आप पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान
का नाम रोशन करने के लिए, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे इतने खेलने वाले लोग नहीं है जो इंटरेस्ट करके टेबल टेनिस को लें, तो सिर्फ क्रिकेट को ना देखें, बाकी गेम्स भी बहुत अच्छी हैं, उनको भी ज्वाइन करें, उनको भी आगे बढ़ के हिस्सा लें उनमें और खेलें, उसको कंटिन्यू करें। जैसे शबनम परवा, जैसा कि अभी बहुत से इलाकों में पाकिस्तान में डाउनफॉल है टेबल टेनिस का, तो कैसे आप मोटिवेट करना चाहेंगे वहाँ के इलाके के प्लेयर्स को, वहाँ के कोचिस को, कि कैसे वो टेबल टेनिस को लेके निकले? देखिए, मोटिवेट करने के लिए दो ऑप्शन होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। इंटरनल वो होती है जो हमें इनरली हम खुद अपने आप को मोटिवेट करके कि हमने ये अचीव किया, नहीं हमने ये अचीव कर लिया तो हमने नेक्स्ट ये अचीव करना है, वो हम इंटरनली खुद अपने अंदर से लेते हैं। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं वो ये होता है कि या तो आपको थोड़े बहुत रिवॉर्ड्स दिया जाए, या तो आपको डिफरेंट कोई इनाम वगैरह देने से आप दूसरे जो प्लेयर्स की हैं मोटिवेशन करें, उनको मोटिवेट करें, ठीक है। तो इससे बहुत मैटर करता है कि अगर कोचेस जो हैं अपने प्लेयर्स को थोड़ा बहुत मोटिवेट करने के एक्सटर्नल चीज़ों का लें, लाइक उनको अगर रिवॉर्ड्स दे दें, अगर कोई अच्छा बहुत परफॉर्म कर दे तो उनको कोई रिवॉर्ड्स दें, जाके वो और इंटरेस्ट लें कि हाँ हमें ये मिला था, हमें हमने ये काम किया था तो हमें इस तरह हमारे कोच ने अप्रिशिएट किया है, तो उससे काफ़ी होता है। या आप ज़रूर अपने प्लेयर्स को अप्रिशिएट करते रहें, क्योंकि अप्रिशिएट करने से आप एक बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल, आप मोटिवेशन लेवल बहुत इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो बहुत मैटर करता है, तो वो इस तरह भी कर सकते हैं। क्योंकि दो मोटिवेशन के मेथड होते हैं, उन्हीं तरीकों से, या तो आपके अंदर एक्सटर्नली हो कोई चीज़ अचीव करने की, या आप एक्सटर्नल वे से कर सकते हैं। सही फरवा, तो मोटिवेशन के दो ही तरीकों से प्लेयर को आगे लेके जाया जा सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन। जी जी जी, जिसको इंस्टिंक्ट और एक्सटिंक्ट कहते हैं, एक्सटिंक्ट कहते हैं इंटरनल को। जी जी, थैंक यू वेरी मच फरवा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी राय दी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने नए आने वाले बच्चों के लिए इतना कुछ बताया, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम आखिर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।